हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। मेरा यही कहना है सरकार से कि अब देख रहे हैं कि मानव श्रृंखला के नाम पर जो जिस तरीके से अभी जो ठंड का जो कहर जो अचानक जो बढ़ा है, उससे जो बच्चे जो हमारे हैं स्कूल के जो बच्चे हैं और तमाम लोग हैं जितने लोग हैं जो यहाँ ठंड में ठिठुरती ठंड में कोई बच्चा को मोजा नहीं पहना हुआ है, कोई बच्चा ठीक तरीके से खड़ा नहीं हो पा रहा, ठिठुर रहा है ठंड से, ठंड लग रही है, तो वैसे में जो मानव श्रृंखला का जो बात कर रहे हैं और बिहार में किस तरीके से जो इस सरकार जो डेरा बना करके जो भ्रष्ट सरकार जो बनी हुई है, नौजवानों को रोज़गार नहीं है, लोग इधर से उधर भटक रहे हैं, इधर उधर पलायन कर रहे हैं और पूरा लूट हत्या और बलात्कार इतने सीमा पर पहुंचा हुआ है कि कोई इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मानव श्रृंखला वो क्या कहेंगे जो आज सरकार ने बनवा रही है? नहीं देखिए, जो मानव श्रृंखला है पूरे तरीके से सरकार का इसमें जो ये अब नीतीश कुमार जी सुनने में आया कि 15 हेलीकॉप्टर मंगवाए, तो 15 हेलीकॉप्टर वो कहाँ से खर्चा आया, कहाँ से पैसा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वही पैसा का रोजगार में इस्तेमाल होता, नौजवानों को रोजगार देने का इस्तेमाल होना चाहिए था। बिहार में जिस तरीके से जो स्थिति बनी हुई है, रोज दिन हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सीए का मुद्दा हो, एनआरसी का मुद्दा हो, लगातार हमारा कार्यक्रम जारी है और आज हम फिर इनका जो जितना भी जो खामियां हैं उनको हम सड़कों पे और पब्लिक के बीच में लाने का काम कर रहे हैं। जैसे चमकी बुखार हो गया, फिर से बाहर सुखाड़ हो गया, तो जैसी जितनी भी मुद्दाएं हैं, बेरोजगारी है, तमाम मुद्दाओं को लेकर के हम यहाँ सड़कों पे आए हुए हैं और वैसे में ये नौजवानों को रोजगार देने का इन लोगों ने ये किया था, लेकिन जो जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे कि मानव श्रृंखला ये लगाए हैं, उससे अच्छा होता कि रोजगार श्रृंखला लगाने का काम करते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। एक सवाल और तेज प्रताप जी कि इन मुद्दों पर कांग्रेस अब सड़क पर उतरने वाली है, उन्होंने तैयारी कर रही है, आप लोग कब तक घर से राजनीति कीजिएगा, आप लोग कब सड़क से आइएगा? देखिए, हम घर पे राजनीति हम नहीं करते, हम लोग घर में रहने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग ग्राउंड पे रहने वाले लोग हैं, हम गरीब गुरबा के हमारी पार्टी है और हम लोग हमेशा शुरू से ही हम लोग लोगों के बीच में रहे हैं, जनता के बीच में रहे हैं। तेजस्वी जी का कार्यक्रम लग चुका है, पूरे बिहार में अपना बात को रख रहे हैं तेजस्वी जी, हम लोग भी छात्र नौजवान जितने लोग हैं यूथ हैं तमाम लोग अपना बात को रखने का काम कर रहे हैं। हम लोग घर में बैठने वाले नहीं है, घर में बैठने वाले नीतीश कुमार जी हैं जो उतने दिन से चुप्पी साधे हुए थे, चोर दरवाजा से एंट्री कर दिया। क्यों नहीं बोल रहे हैं नीतीश कुमार अंदरूनी से बोल रहे हैं ना, भीतर गुनिया से बोल रहे हैं, वो एक तरफ उधर उधर सपोर्ट भी करते हैं, इधर बोलते हैं कि बिहार में लागू नहीं होने देंगे, तो दो नाव पे चढ़ने वाली बात हो गई ना, दो नाव पे चढ़ने वाला काम। अच्छा, अमित शाह ने तो कह दिया कि 2020 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो कितनी मजबूती है महागठबंधन की? आपने तो परिणाम देखा ना झारखंड में किस तरीके से परिणाम हुआ, उसी तरीके से पूरे सब जगह बिहार में भी उसी तरीके से परिणाम होने जा रहा है। 2020 के चुनाव में क्या इस मानव श्रृंखला का असर दिखेगा? अभी आप देख लीजिए कि किस तरीके से जो ये मानव श्रृंखला लगाए और कोई नहीं आना चाहता था, ये तो जबरदस्ती सब जगह स्कूलों में कॉलेजों में और सब जगह ये किया गया है, सबको ये ठीक किया गया कि आना है, नहीं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके का जो है हो रहा है ये बिल्कुल लोगों के साथ जाती है और बिहार की जनता को ठगने का इन लोगों ने काम किया। मांझी के बयान पर रिएक्शन नहीं दे रहे हैं आप, क्यों? क्या मांझी, उनका कहना है कि तेजस्वी को वो नेता नहीं मानते हैं। अब मांझी जी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं हमको उनसे क्या मतलब है? महागठबंधन में है वो, महागठबंधन में है तो क्या हमको अपना जनता से मतलब है? हमें जनता से मतलब है हमको। मुकेश सहनी भी कहा कुछ बोल रहे हैं, फातमी भी आपके खिलाफ, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, फातमी जी भी आपके खिलाफ, तेजस्वी हमारा अर्जुन है वो मुख्यमंत्री बनेगा और जो बिहार की जो पूरी जनता वो उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम, हमको जनता से मतलब है। हर एक लोग नेता आते जाते रहते हैं, नेता आते जाते रहते हैं, महागठबंधन में एकजुटता नहीं मानते हैं, सब एकजुटता समय पे आ जाती है।